गुड मॉर्निंग क्लास फोर. नाउ ओपन योर पनोरमा बुक लेसन सिक्स पेज 29. बेटा द स्टोरी इज द मर्चेंट एंड द बार्बर. व्यापारी और नाई. बार्बर समझते हैं ना, जो बाल काटते हैं. तो बेटा एक बार की बात है, इन्होंने बताया कि एक व्यापारी था जिसका नाम मणि था, और पाटलिपुत्र में ये व्यापारी रहते थे. बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, दयालु स्वभाव के, और खूब दान मान भी करते थे. लेकिन कुछ कारण पड़ा, दुर्भाग्य इनका आया, सारी संपत्ति इनकी जो है वो चली गई, गरीब हो गए. समय की बात है, समय की भी बेटा बदल जाता है. अच्छा समय था, बुरा समय इनका आया, गरीबी आई, और समाज में भी इनकी स्थिति अब नीचे होती गई, लोग अवॉइड करना शुरू कर दिए. बहुत दुखी हो गए बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा था व्यापारी महोदय को क्या करूं क्या ना करूं. एक दिन लेटे अपने बिस्तर पर और अपने भाग्य को कोस रहे थे, वे क्या हो गया, मैंने क्या गलती की, ये दुर्दिन आ गया. तो एक भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, मतलब बौद्ध साधु को ही कहा गया बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो वो प्रकट हुए इनके स्वप्न में और इनसे बोले कि देखो तुम घबराओ मत, डोंट वरी, आई एम वेल्थ, मैं संपत्ति हूं जो तुम्हारे पिता और पितामह ने, यानी तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए इकट्ठी की, मैं वही संपत्ति हूं. और तुम ही उन लोगों के उत्तराधिकारी हो, कानूनी तौर पर हर तरह से योग्य उत्तराधिकारी तुम ही हो. तुम्हारा ये कानूनी हक है कि तुम मुझे लो, मेरे पर तुम्हारा ही अधिकार होगा. समझ में आ रहा है ना, मतलब बौद्ध भिक्षुक ने ये कहा कि मैं ही संपत्ति हूं जो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी ने अर्जित की थी, और मुझ पर तुम्हारा ही अधिकार है. फिर उस मॉन्क ने कहा इनसे कि देखो कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा मॉन्क के वेश में, तुम मेरे सिर पर एक स्टिक से मारना. ठीक है, क्या करना, मेरे सिर पर एक डंडे से तुम मारना, और मैं तुरंत स्वर्ण में, गोल्ड में चेंज हो जाऊंगा. अगली सुबह व्यापारी उठा बेचारा सोकर के, सिर में इसके दर्द भी हो रहा था, अब परेशान तो था ही ना, टेंशन में था ही, सोच मतलब जो भी सपना देखा तो इसको लगा कि अरे सपना है, क्या इस पर विश्वास किया जाए. उसी समय ऐसा हुआ कि सुबह का टाइम था, इनकी पत्नी ने, व्यापारी की जो पत्नी थी, उनको अपने बच्चे का बाल कटवाना था, तो वो एक बार्बर को बुलाई थी. बार्बर जो है वो अपना बाल काट रहा था बच्चे का. तभी क्या हुआ कि वाकई में एक मॉन्क आ गए घर में, तो व्यापारी ने उनको बैठाया, बैठने के लिए जगह दी, फिर एक गिलास पानी दिया, और उसके बाद जैसा कि स्वप्न में मॉन्क ने बोला था, एक छड़ी सिर पर दे मारा. मॉन्क गिरे, और गिरने के बाद क्या हुआ मॉन्क का, पूरी की पूरी बॉडी बदल गई किसमें, गोल्ड में, सिर से पैर तक गोल्डन हो गए, गोल्ड की हो गए. अब उस गोल्ड को मर्चेंट ने तुरंत उठाया और घर के तहखाने में ले जाके रख दिया. अब बार बार सारी चीजें देख रहा था, देख रहे हो ना, ये बार बार जो है सारी चीजें देख रहे हैं. अब बार्बर ने सोचा कि मैं भी जाऊं और इन जादुई मॉन्क्स को इनवाइट करूं, मेरे घर में आए, मैं भी इनके सिर पे डंडा ऐसे मारूंगा, और बस मैं भी जो है अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा. ठीक है, गया पहले हेड मॉन्क के यहाँ, मठ में गया जहाँ इलू रहते थे, हेड मॉन्क के यहाँ गया, तो
वो कहा कि चलिए मेरे घर भोजन करने के लिए आप लोगों को निमंत्रण है। तो हेड मॉन्क ने रिफ्यूज कर दिया, बोला कि देखो हम लोग ब्राह्मण नहीं है कि हम लोग किसी के निमंत्रण पे उसके घर जाके खाना खाएंगे। हम लोग तो बस भिक्षा मांगे इकट्ठा करते हैं। और पहला भक्त, जो पहला भक्त होता है हम लोग को भोजन ऑफर करता है, बस उसी का निमंत्रण स्वीकार करके हम लोग भोजन करते हैं। हम लोग जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, ठीक है। तो यानी बार बार का निमंत्रण उन्होंने तो नहीं स्वीकार किया, फिर भी बार बार ने हार नहीं मानी। ये मठ के बाहर जो है बार बार खड़े थे, और जब मठ से बाहर निकले और मॉन्क लोग, तो उन सबों से बार बार ने कहा, तो कुछ मॉन्क्स एग्री हो गए कि चलो ठीक है तुम्हारे घर आके हम लोग भोजन कर लेंगे। आए सब इनके घर भोजन करने, प्रवेश किए जैसे ही घर, जैसे ही घर में मॉन्क्स ने प्रवेश किया, वो प्रवेश करते गए और मॉन्क उनके, अरे सॉरी, बार बार उनके सिर पर एक एक डंडा मारता गया। ठीक, अब आप सोचिए सिर पर डंडे की मार लगेगी तो क्या होगा, कुछ मॉन्क तुरंत मर गए और कुछ मॉन्क बुरी तरह से घायल हो गए। अब ये समाचार फैल गया बिल्कुल कि बार्बर ने कई मॉन्क्स को डंडे से मारा है, कुछ मर गए कुछ घायल हो गए। अब क्या हुआ, अरेस्ट हो गए बार्बर, अदालत में लाए गए। जज ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो बार्बर ने पूरी कहानी सुना दी कि मैंने मर्चेंट को ऐसा करते देखा था, तो इन्होंने ऐसा किया तो मॉन्क पूरा गोल्डन हो गए थे, तो इसी लालच में मैंने भी ऐसा किया। तब अब जज ने ऑर्डर दिया, हाँ तो जज ने फिर उसको भी बुलाया, मर्चेंट को भी, कि क्या ये जो कह रहा है सही कह रहा है। तो बेचारा मर्चेंट वो तो सीधा साधा आदमी था, उसने कहा कि हाँ सही कहा। मर्चेंट ने भी पूरी बात बता दी कि मुझे कैसे कैसे स्वप्न आया था, क्या क्या मैंने किया। तब जज ने सारी कथा सुनने के बाद यह आदेश दिया कि दुष्ट नाई को फांसी पे लटका दो। ठीक, यही सजा इनको मिली कि फांसी पे लटका दिए गए, और जो मर्चेंट था उसने तो कोई गलती की नहीं थी, उसको छोड़ दिया गया। तो क्या मोराल है इस स्टोरी का, इस स्टोरी का मोराल ये है कि बिना सोचे समझे किसी दूसरे के कार्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई कुछ करता है तो सोचिए समझिए, तब उसकी बात को आप फॉलो करिए। ओके बेटा, थैंक यू।